हेलो गाइस, कैसे हो सबके साथ? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, मैं ये सारी चीज़ लेके आया हूँ और उसके अंदर का दरवाज़ा वाजा बना रहा था। यहाँ पे लिखा हूँ पी हाउस यानी पिजन हाउस। बस ऐसे पी बड़ा सा बना दिया, हाउस एक बनाया छोटा सा, अंदर दिख रहा है ना काला काला। अभी इसमें एक लकीर बनाना है, एकदम आउटरो बनाना है, आउटरो लाइन बनानी है इसके वाइट कलर से, फिर उसके बाद अच्छा लगेगा। यहाँ पर मुझे अभी जाली काटना है, ये वाली जाली, क्या ये वाली जो जाली है ना, इसको काट के पहले इसका ताला खोलता हूँ अंदर जाने के लिए। तो इसका जो दरवाज़ा था इसको मैं पेंट कर दिया हूँ पूरा, और इसमें से जाली निकाल दी हूँ। ये वाली जाली पहले लगी थी, मच्छर चले जाते थे बहुत ज़्यादा, तो अब मच्छरों के ना जाने के लिए ये इसमें स्टील की जाली लगाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले पेंट कर गया हूँ, जुमा से पहले, अब सब गंदा कर दिए। वो वाला जो अंदर वाला दरवाज़ा है, पहले इस जाली को नापता हूँ, फिर इस चीज से काटता हूँ, काट पीट कर उसे सेट करता हूँ, फिर इसमें से खीला निकालता हूँ और उसे लगा देता हूँ। जब बन जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये पहले वाली जाली है जिसमें मच्छर बहुत ज़्यादा चले जाते थे, ये ऐसी ऐसी थी। और अब देखो यहाँ पे ये वाली, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे साथ। इसके नाप की जाली काटा था इससे थोड़ी थोड़ी बड़ी, तो जब मैं इसमें लगाने की जब बारी आई तो फिर मुझे समझ में आया इससे थोड़ा थोड़ा मोड़ा जाता है किनारे से, ताकि जाली खुले ना। जब इसमें मोड़ा तो एकदम पट्टी पट्टी पर ही जाली आई है, पहले आती यहाँ यहाँ तक, मोड़ने के बाद यहाँ तक आई है। तो इसी तरीके से चारों तरफ से लग गई है फिलहाल, ऐसे ही मच्छर तो नहीं जाएगा कोई भी। और ये दिखता है इस तरीके, दूर से देखा मैं आपको, दूर से कुछ ऐसा दिखता है दरवाज़ा है, पर से ये दरवाजे के ऊपर पेंट कर दिया हूँ, जाली को पेंट नहीं किया हूँ। बताना यार कमेंट में कैसा लगा ये। उधर वाली जाली को भी निकाल कर स्टील की जाली लगाना है। और ये है हमारी कुछ कबूतर है, ये वाली कबूतर बाद में आई है, एक कबूतर से बाद में आई है यही वाली। अंदर चल, तेरा सब बच्चे निकले हुए हैं, मुर्गा भाग गया है फार्म में, पीछे कूद गया, यहाँ से दीवार डाक कर उधर की साइड चला गया। तो मुर्गा वहाँ पे भाग गया है, वहाँ पे काला से दिख रहा है ना, इन सब का बाप वहाँ पे भाग गया है। तो उसे लग रहा है कि वहाँ पे मेरे बच्चे हैं, तो वहीं पे जाकर खड़ा हो गया वो। चल 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 चल, अंदर चल 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 चल। ताकि गाइस ये वाला ताला लाया हूँ बड़ा सा, अब इसमें ताला मार दूंगा, ये यहाँ से बिल्ली नहीं घुसेगी यार, बिल्ली घुस के सब तबाह कर दी थी। ये है गाइस हमारा पिजन हाउस, बस इसमें से ये सामने से ईटा हटाना है, फिर इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा बड़ा सा। ये देखिए, मैंने पूरा सफाई कर दिया हूँ, और एक मैंने सिराजी कबूतर का बच्चा भी लेकर आया हूँ, छोटा सा भी, एक महीने का होगा। इसका पर और पूंछ कटी हुई है यार, उसने काट दिया था, पैरों के बाल भी काट दिया था उसने। खाता पीता है, मैं इसे खिलाया अभी, वो खा रहा था। और पेटी हमारी एकदम तैयार है दोस्तों, यहाँ पर अंडे बच्चे करने के लिए, बस सब कबूतरों के देरी है। कबूतर इसमें लेकाना है, लक्का लेकाना है, और हंगेरियन एक लेकाना है मेल, इसके लिए एक मेल लेकाना है हंगेरियन, और दो लक्का लेकाना है बस। और फिर इसके बाद अंडे बच्चे करने स्टार्ट कर देंगे। इधर की साइड पूरी खाली है अभी, इधर भी पेटी वेटी लगेगी, इसी तरीके से सब पेटी लगाऊंगा पूरे में। तो अब चलो गाइस फार्म में चलते हैं थोड़ा सा। कबूतरों के दरबार से जो ईटा निकला था पूरा यहाँ पे लगा दिया, पूरे ये देखिए यहाँ पे पूरा ईटा जो है ये कबूतरों के घर में से निकला था। तो चलते हैं यहाँ से नीचे, पहले यहीं से मैं उतर जाता हूँ यहीं से। जितने इसके अंदर अंडे हैं मैं वो सभी उठा लेता हूँ। हमारी एक डक भी अंडे देने लगी है 3 दिन से, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी तो डक ने भी उसी दिन से अंडा देने स्टार्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है एक, किसी नई मुर्गी ने अंडा दिया है ये वाला, यहाँ पे है ये डक का अंडा,
इधर ये कूड़ा खोने लगी है क्या एक दो। अबे भाई आज तीन मुर्गियों ने पहले ही अंडा दे चुका, तो ये अंडे अभी यहीं रख देता हूँ, शाम के टाइम में जब सब मुर्गियाँ अंडा देते अभी कूड़ू खोने लगी है। इतनी जल्दी पाँच ठो छः अंडा दिए, अभी छः अंडा दिए, ये भी यहीं रख देता हूँ, बाद में ले चला जाऊँगा। हमारी ये वाली डक ने अंडा दिया है और मैं कल इस वाली डक को पकड़ा जैसे ही हाथ में, ये मुझे इसका मेल मुझे दौड़ाने लगा था, फिर से ट्राई करता हूँ इसको पकड़ता हूँ पहले, फिर देखता हूँ दौड़ाता है कि नहीं। मैंने फीमेल को पकड़ लिया, अभी देखना यार वहाँ पे मेल है, वहाँ पे है ना, अभी देखना मुझे दौड़ाएगा। हाँ नहीं आया, अभी जब ये बोलेगी तब वो आएगा, बोल बोल बोल, आवत है आवत है, आगो आएगो टन 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 दबड़ता आवत है एकदम, टक जाया पूरा दौड़ते हुए, फिर दे हाँ। इसे जब देखता है ना, जब ये बोलती है तब देखता है तब आता है। आगो आएगो यार, इसे लेने के लिए यार आए, पन मनाएगा पन मन भाग जाता है, अरे टूट गई यार टूट गई, अबे भाग गई। ओह ओह कीचड़ बना दिया सब, अबे भाई ये क्या कर दिया सब डक के बच्चे। तो मैं ये वाला लहसुन लाया था, वही जो अभी सब निकले ना चीनी फाल गैंग, तो उन्हीं में से दो बच्चों की सर्दी हो गई थी, उनको उनके लहसुन खिलाने के लिए यहाँ पे ला के रखा था, खिला दिया था यहाँ पे रख देता हूँ यहीं पे, ये डक के बच्चे अभी इधर रहते हैं। अभी ये कहाँ अंडा दे दिए है, अड़स गईगा यार, ये अंडा कहाँ दे रही है यार, यहाँ पे अंडा देके जा रही है, चल निकल 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 बाहर निकल, पका पका ये निकल। एक और मुर्गी ने भी अंडा दे दिया, अरे भाई भाई। चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता है आपको अगले ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।